बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टेइंग सेफ एंड हैप्पी। आई एम यू जी की टीचर मिस फरहीन एंड आई वेलकम यू ऑल टू यू जी की क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी आर ऑन यूनिट नंबर 15 एंड द नेम ऑफ आर यूनिट इज फ्लावर्स सीड्स एंड फ्रूट्स। टुडे इज इट्स फर्स्ट लेक्चर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस यूनिट दिस लेक्चर विद एन एक्टिविटी। सो माई डियर स्टूडेंट्स, है यू कैन सी सम पिक्चर्स ऑफ प्लांट्स। सो क्विकली हैव अ लुक एट देम केयरफुली एंड नेम दीज प्लांट्स। द फर्स्ट वन इज एलोवेरा एंड द सेकेंड वन इज मनी प्लांट। ओके, टेल दैट इफ दीज प्लांट्स हैव फ्लावर्स और नॉट इन देयर लाइफ। सो अगर, क्योंकि ये बड़े कॉमन प्लांट्स हैं और ऑलमोस्ट हर किसी के घर में होते हैं, सो जल्दी से मुझे बताएं कि क्या इनके ऊपर फूल लगते हैं कभी भी। अभी तो इनके ऊपर फूल नहीं लगे हुए, लेकिन क्या कभी आपने इनके ऊपर फूल लगे हुए देखे? नो, दीज प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स। इनके ऊपर फूल नहीं लगते। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो इन टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नेम अ फ्यू प्लांट्स अराउंड देम व्हिच हैव फ्लावर्स एंड व्हिच डू नॉट हैव फ्लावर्स। सो आज बच्चे उन पौधों के नाम जो है वो बता सकेंगे जिनके ऊपर फूल लगते हैं और जिनके ऊपर फूल नहीं लगते। So let's quickly move forward towards Islamic perspective. So Abu Huraira reported Allah's Messenger Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saying, "He who is presented with a flower should not reject it, for it is light to carry and pleasant in odor." So my dear students, अगर किसी को फूल दिया जाए तो उसे उसको reject नहीं करना चाहिए, और ये देखने में भी खूबसूरत है, ये तोहफा भी अच्छा है, और इसकी जो खुशबू है वो भी अच्छी होती है, और ये मोहब्बत फैलाने का भी बाइस बनता है। So my dear students, now pre-reading question. So quickly tell me that what are non-flowering plants? ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल नहीं लगते उनको हम non-flowering कहते हैं। Then what are flowering plants? Such plants which have flowers on them or which bear flowers, जिनके ऊपर फूल लगते हैं, those are called flowering plants. Okay, name some flowering plants you like. आपको कौन से फूलों वाले पौधे पसंद है? Rose plant, marigold, jasmine. So these are some वेरी कॉमन फ्लावरिंग प्लांट्स विच यू नो, और जो आपको शायद इनमें से कोई पसंद भी हो। ओके माई डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज द टाइम फॉर रीडिंग। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन पेज नंबर 119 इन योर यूनिट नंबर 15 जीके 2 बुक्स। आई होप एवरीबडी हैज ओपन द पेज। सो पुट योर फिंगर्स वेयर आई विल रीड एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अ प्लांट मे हैव सम अदर पार्ट्स लाइक फ्लावर एंड फ्रूट हैविंग सीड्स। Only those plants can produce fruit and seeds that have flowers. So there are two classes of plants, flowering and non-flowering plants. So my dear students, जिस तरीके से हमने previous unit में plants के different parts के बारे में पढ़ा, इसी तरह जो part है plants के part है उनमें flowers और fruits भी include होते हैं। Fruits जो हैं सिर्फ उन पौधों पे लगते हैं जिनके ऊपर फूल आते हैं, ठीक है? तो आज हम दो तरह के मुख्तलिफ तरह के पौधों के बारे में पढ़ेंगे। वन इज फ्लावरिंग, जिनके ऊपर फूल लगते हैं, एंड द अदर इज नॉन फ्लावरिंग, जिनके ऊपर फूल नहीं लगते। सो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, द प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स थ्रू आउट देयर लाइफ आर नोन एज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। They develop new plants from spores. Examples are mosses and ferns. So, my dear students, आपको इस बात का पता है कि पौधा जो है वो हमेशा बीज से निकलता है। तो अगर कोई पौधा ऐसा है जिसके ऊपर फूल नहीं लगते, और फिर उनके अंदर बीज कहाँ से आते हैं? So, ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल नहीं लगते तो उनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और उन पौधों के नाम क्या है? एग्जाम्पल्स हैं उनकी मूजेस एंड फर्न्स। इनके अंदर फूल नहीं होते, इनकी जिंदगी में जब तक ये डाई आउट नहीं होते इनके अंदर फूल नहीं लगते। इनके लीव्स के नीचे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो कि अगर जमीन पर गिरते हैं तो वहां से इन्हीं की तरह के नए पौधे जो हैं वो निकलते हैं। सो सीड्स जो हैं वो फूलों वाले पौधों के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो क्योंकि इनके ऊपर फूल नहीं लगते तो इनके अंदर सीड्स और फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं होते। सो दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। ओके, कीप दिस इन माइंड। सो डू ऑल प्लांट्स हैव फ्लावर्स? नो, ऑल प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स। सो फर्न्स, दीज आर फर्न्स एंड दीज आर मूजेस, और इनके पत्तों के नीचे जो है वो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सो फ्लावरिंग प्लांट्स,
The plants that produce flowers are called flowering plants. Example are rose, jasmine, sunflower, marigold, etc. So, ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल लगते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं. उनकी एग्जाम्पल्स क्या है? रोज, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, सनफ्लावर. दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. सो जैस्मिन प्लांट, मैरीगोल्ड, दीज ऑल आर फ्लावरिंग प्लांट्स. इसके अलावा फ्रूट ट्रीज जो है, वेजिटेबल्स जो है, उनके ऊपर भी फूल लगते हैं और उन्हीं से जो है फिर फ्रूट बनता है. कीप दिस इन माइंड. ओके, विजिट द स्कूल गार्डन विद द क्लास. शो स्टूडेंट्स डिफरेंट फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. अब टीचर्स जो है बच्चों को एक एक्टिविटी करवा सकती है. टेक देम आउट इन द गार्डन. बच्चे इंजॉय भी करेंगे और फिर वहां आप उनको डिफरेंट पौधे दिखाएं जिनके ऊपर फूल लगते हैं और जिनके ऊपर फूल नहीं लगते. और फिर आप उनको कैटेगराइज करके बताएं कि दीज आर फ्लावरिंग एंड दीज आर नॉन फ्लावरिंग. सो पॉज द वीडियो एंड कंटिन्यू दिस एक्टिविटी. आई होप यू हैव एंजॉयड द एक्टिविटी. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो अगर आप गार्डन नहीं लेकर गए बच्चों को तो यू कैन हैव दिस पिक्टोरियल टूर. सो इसमें दिस इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट. मनी प्लांट, फर्न्स एंड मूजेस, दे डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड दे आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. देन कम्स फ्लावरिंग प्लांट्स, रोज, जैस्मिन, लिलीज. दीज ऑल आर फ्लावरिंग प्लांट्स. सो नाउ इज द टाइम फॉर एवेल्युएशन. सो विच प्लांट्स कैन प्रोड्यूस सीड्स? फ्लावरिंग प्लांट्स कैन प्रोड्यूस सीड्स. वट आर फ्लावरिंग प्लांट्स? Which bear flowers are called flowering plants? What are non-flowering plants? Give examples. Flowers, plants which do not have flowers are non-flowering plants, and their examples are ferns, mosses, money plant, etc. Okay, my dear students, now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So now look at the worksheet very carefully. Write down your name and your class, and then write if given plant is flowering or non-flowering. Apple tree. As you can see, इसके ऊपर fruits लगे हुए हैं, तो that means it is a flowering plant. क्योंकि fruits सिर्फ उन plants पे लगते हैं जिनके ऊपर फूल भी लगते हैं. So this is a flowering plant. Then mosses, non-flowering. Rose, flowering. Fern, non-flowering. Then comes a wheat, that is also flowering plant. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the homework. So you will do question number 1 and question number 127, and you will also do home activity number 1. Okay, my dear students, this was your homework. You will know, do it. So home activity number 1 says that write down the names of some flowering plants other than those given in the book. So aapne kuch flowering plants ke names likhne hain jo ke aapki book mein diye gaye hain. बुक में नहीं दिए गए, ठीक है? बुक में काफी सारे फ्लावरिंग प्लांट्स दिए हैं, रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड. आपने इनके अलावा कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो सर्च आउट करके और उनके नेम्स लिखने हैं. देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, ठीक है? सर्च करें एंड देन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज द टाइम फॉर रैप अप. सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्नड दैट प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, लाइक मोसेस एंड फर्न्स. प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल जैस्मिन एंड मैरीगोल्ड. My dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.